Since we talk about the term forensic psychologist it is very important to see what are the responsibilities of the forensic psychologist and what does actually forensic psychologist mean the term forensic psychologist include varied roles that may be employed in a variety of settings so here we are going to talk about them that what could be those possible roles and settings roles include but they are not limited to trial consultant expert witness the evaluator Treatment provider, the researcher, and the academic psychologist. So they are not limited to only uh, these of uh, the terms, but they can be uh, besides them in any other role. So uh, what is trial consultant? They work with the legal professional, mainly attorneys, <laughs> to assist in case preparation, uh, jury selection, development of case strategy, or witness preparation. सो दीज़ आर द थिंग्स जिनके अंदर उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो होनी चाहिए और साइकोलॉजिस्ट ये सब एरियाज को स्टडी करते हैं और उसके बाद वो इतने नॉलेजेबल होते हैं कि वो एज़ ट्रायल कंसल्टेंट जो है वो अटॉर्नीज के साथ काम कर सकें दे मे बी इन्वॉल्व इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड टिपिकली होल्ड एडवास डिग्रीज और उनकी स्पेशलाइजेशन होती हैं साइकोलॉजी में उनके डिप्लोम होते हैं और उसके अलावा उनकी इसमें स्पेशल ट्रेनिंग भी होती हैं एक्सपर्ट विटनेस दे टेस्टिफाई इन कोर्ट अबाउट स्पेशलाइज नॉलेज क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजि टिपिकली टेस्टिफाइज एज एक्सपर्ट बाई इुएटिंग डिफेंडेंस मेंटल स्टेट उसका मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन किया जाता है उसका डिटेल्ड मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन किया जाता है और जो क्लाइंट जो है उसके डिफेंस के लिए पोस्ट किया जाता है कि वो मैंटली स्टेबल है या वो मैंटली स्टेबल नहीं है मे ऑल्सो सर्व एज जर्नल एक्सपर्ट विटनेस एंड टेस्टिफाई अबाउट ब्रॉडर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जब भी कोई केस प्रिपेयर किया जा रहा होता है उसमें अदर दैन सिर्फ उसकी मेंटल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी के बारे में बात करने के लिए जर्नल जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी देखा जा सकता है बहुत सारे केसेस के अंदर जो है वो बायोफीडबैक मशीन यूज़ होती हैं जिन्हें लाइडक्टर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस पर ये क्लेम uh, करती हैं कि एक इंडिविजल uh, जो है वो कितना सच बोल रहा है वो कितना झूठ बोल रहा है और उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है सो दीज आर द रोल्स आर आल्सो बीइंग डन बाय द फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और उन मशीन्स को भी वही टेक्निकली एज एन एक्सपर्ट जो है वो देख रहे होते हैं और उसको वर्बैटम के साथ बॉडी लैंग्वेज के साथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज के साथ उसको काउंटर अलाइन करके वो अपनी एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं विच इज नोन एज एक्सपर्ट विटनेस देन द इवेल्युएटर

तो वहाँ पर भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग एन असेसमेंट ऑफ द केस एंड द ऑफ द सिचुएशन दे आर टिपिकली ट्रेंड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड विद फॉरेंसिक स्पेशलाइजेशन सो एज आई जस्ट दैट दे हैव द स्पेषलाइज डिग्री वो इसमें एवेल्युएशन के प्रोसेस के अंदर इस सारी चीज को टेक्निकली स्टडी करते हैं एंड देन दे डिसाइड कि क्या uh, ये जो क्लेम है ये राइट है या नहीं देन द ट्रीटमेंट प्रोवाइडर बाजोकट कोर्ट रिफर कर देता है कि आप इनका ट्रीटमेंट करें तो साइकोलॉजिस्ट उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइडर के तौर पर भी देखते हैं मे वर्क इन फोरेंसिक हॉस्पिटल स्टेट साइकैट्रिक हॉस्पिटल प्रैक्टिस एक्सेट्रा जैसे आ, हमें जोवेनाइल डिलीक्वेंसी में आ, देखने को मिलता है फिर इसके बाद हमें अक्सर

वट कुड बी द पॉसिबल चैलेंजेस वन माइट फेस और उनको कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं टू इवॉल्व इन अ बेटर स्टेट एंड इन टर्म अ बेटर सोसाइटी मे बी एम्प्लॉयड इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस रिसर्च इंस्टीट्यूट्रिक हॉस्पिटल एक्सेट्रा एंड कंड कंड रिसर्च ऑन मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी ऑन प्रोग्राम एवेलुएशन ना और जितना भी टेक्निकली एक कंट्री या एक स्टेट जो है वो डवेलप uh, होती है जितनी ज्यादा वो uh, एक अच्छी स्टेट होती है वहाँ पर हमें आ, उतनी ही बेटर सर्विसेज दिखाई देती हैं फोरेंस साइकोलॉजिस्ट की और उनकी प्लेसमेंट हमें ज़्यादा बेहतर जगहों पर नज़र आती activities, such as training and supervision of students. Psychologist हैं देन एज एन साइकोलॉजिस्ट दे गेट इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड एन अदर एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट जो है वो टीचिंग का करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं एंड दे कैन ऑन दे कैन टीच डिफरेंट पीपल अबाउट द सब्जेक्ट दे नो और वो एज एन एक भी काम कर सकते हैं Typically employed by institutions of higher education learning, for example, colleges and institutes. But these are not the only roles where the forensic psychologist may work because there are the many other rooms in which they can evolve themselves as a forensic psychologist. And this need in our society is very that Pakistan, as a country which is having a large number of youth as bulk, they uh, need to focus on their youth because our youth इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मसाइल का शिकार है तो प्रॉपर मेंटोरिंग एंड प्रॉपर ट्रेनिंग बाय द स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू द नेशन एंड टू द सोसाइटी इन पाकिस्तान